रुद्रप्रयाग के कोठगी गांव में चल रही 3 दिवसीय महिला रामलीला की दूसरे दिन माता सीता स्वयंवर तालिका बध समेत अन्य नाटकों का सुंदर मंचन दिखाया गया, जहां देश विदेश से आए राजाओं ने धनुष तोड़ने की कोशिश की और सुंदर अभिनय प्रस्तुत किया। आपको बता दें कि जनपद रुद्रप्रयाग के कोठगी गांव की महिला मंगल दल द्वारा 3 दिवसीय रामलीला का आयोजन किया गया है, जहां क्षेत्र के दूर दूर से बड़ी संख्या में दर्शक पहुंचकर महिलाओं का उत्साह बढ़ा रहे हैं। रामलीला मंचन के दूसरे दिन बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल ने महिलाओं द्वारा रामलीला में सुंदर अभिनय की जमकर तारीफ की। आज रामलीला का भव्य कार्यक्रमों रैली यात्रा के साथ समापन होगा। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। सबसे पहले मैं आपका चैनल का धन्यवाद करती हूँ, जो हम बहनों की हमारी पीड़ा जो देश विदेशों तक पहुँचाते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आपके चैनल को। और यहाँ पर 3 दिवसीय रामलीला हो रही है, जो कि हमारे रामचंद्र जी के प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में, और बहुत ही शानदार यहाँ पर महिलाओं की रामलीला चल रही है। और इसमें एक पात्र में भी थी आज, जो कि मैंने नेपाली राजा का रोल किया, धनुष सीता स्वयंवर था आज। तो बहुत ही अच्छा लग रहा मुझे कि हमारी ग्राम सभा कोडगी वालों ने, महिलाओं ने बहुत ही अच्छा यहाँ पर जिस महिला मंगल दल सिंधवाणी से यहाँ पे कोटगी पे कोटगी में रामलीला का आयोजन हो रहा है, इसमें ग्राम पंचायत कोटगी द्वारा महिला मंगल दल सिंधवाणी को भी आमंत्रित किया गया था, जिसमें हमारे द्वारा माधो सिंह वीरभर माधो सिंह भंडारी के वीर गाथा पर जो छोटा सा नाटक किया गया, उसमें ग्राम पंचायत कोटगी समस्त ग्राम सभा वासियों ने हमारी बहुत प्रशंसा की। इसे जानकर हमें बहुत खुशी हुई।